संविदा विद्युत कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर लगाए गगनभेदी नारे और कहा कि अपने मांगों को मनवाकर ही लेंगे दम। नमस्कार जी, नैनी में सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। समय मौजूद हम टेंट विद्युत ग्रह पर, जहां पर विद्युत संविदा कर्मियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कल से शुरू हुआ है धरना और आज इसको 24 घंटे बीतने को आए हैं। हमारे साथ मौजूद है अध्यक्ष, संविदा विद्युत कर्मी संघ के जो अध्यक्ष है, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ नया कुछ होने जा रहा है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में एक सौभाग्य की बात और आई है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं और सारे विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कराए जा रहे हैं और सभी विभागों में उत्पीड़न बढ़ गया है हमारे कर्मचारियों का। तो कल का एक बड़ा महान दिन है। चारबाग रेलवे स्टेशन रोडवेज के कार्यालय में उसका विस्तार होने जा रहा है। एक संघर्ष समिति बन चुकी है और 7 सितंबर का दिन उन्होंने मुकर्र किया है। इको गार्डन लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के आउटसोर्सिंग 18 लाख संविदा कर्मचारी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार से चाहेंगे कि सरकार हमारा उत्पीड़न बंद करे और मस्तौल या भर्कचार्ज या संविदा प्रणाली लागू करके इनको नियमित करे। इन्होंने पूरा जिंदगी अनुभव कर लिया, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनकी ये सैलरी है, उससे इनका परिवार नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि जो जीरो टॉलरेंस हमारे मंत्री जी का लागू हो, इस विभाग की छवि उज्जवल हो, इस विभाग को अच्छे स्तर तक हम ले जाएं और अपने जनता जनार्दन महोदय को 24 घंटे विद्युत सप्लाई की आपूर्ति करें। हर समय तुरंत 5 मिनट में कॉल आने पर कार्य हो, ऐसी व्यवस्था हम दे सकें अपनी मेहनत के बल पर। इसके लिए हमें अपने ऊर्जा मंत्री जी पर पूरा भरोसा है और यही ऊर्जा मंत्री जी अब कुछ करने वाले, ऐसा संकेत भी हमारे पास है कि अवश्य ऊर्जा मंत्री जी कुछ भरोसा। आपकी मेहनत कामयाब होने वाली है लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। संघर्ष हम जारी है और जब तक ये तय है, जब तक ऊर्जा मंत्री जी यहाँ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कुछ हमें आश्वासन पक्का नहीं देंगे, तब तक हम हटने वाले नहीं। तो ये विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जी से बातचीत हमारी चल रही थी। इसके साथ ही यहाँ मौजूद हमारे साथी संविदा विद्युत कर्मी है। किस किस तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, दोस्तों आपको बता दूं कि ये वो हीरो हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, आपके सामने नहीं आते। आते भी हैं तो आपको ऐसा दिखाई देता होगा जैसे कि विद्युत ग्रह के कर्मचारी हो, लेकिन ये संविदा कर्मी है, अस्थायी नौकरी है, फिर भी जान हथेली पर रखकर दिन रात जो हम लोगों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करते हैं ताकि हम लोग गर्मी में परेशान ना हो, हमारे बच्चे, हमारा परिवार परेशान ना हो। लेकिन इनके साथ परेशानी कैसी कैसी आती है, जरा बातचीत करें। कुछ संविदा कर्मी होती किस प्रकार की परेशानी आती है आप लोगों को? परेशानी तो इतनी आती है कि 7,000 से 9,000 का वेतन और उसी में मोबाइल खर्चा अपना, मोटरसाइकिल अपनी, पेट्रोल अपनी और समय का कोई टाइम नहीं कि किस टाइम कहाँ पर फॉल्ट हो जाए, दोपहरी हो, बरसात हो। घर से निकलने के बाद ये पता नहीं कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये आप, इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारे संविदा विद्युत कर्मी साथी हैं जिनके शरीर पर देखिए आप किस प्रकार से जो है इनका शरीर अंग भंग सा हो चुका है। केवल किस वजह से? ये वही है जो दिन रात काम करते हैं, इनका एक अपना हाथ भी गंवा चुके हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र, तो अब ये बताओ, जब एक हाथ आप गंवा चुके हो तो फिर अभी काम जारी है आपका? काम तो कर रहे हैं क्योंकि परिवार है। देखिए फिर भी जज्बा कितना है इन लोगों का कि अंग भंग होने के बावजूद भी अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? हरीश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? भारत के रहने वाले हो। कैसे हुआ ये? 24 जनवरी 2018। अच्छा, पहला महीना। अच्छा, लाइन चालू कर दीजिए, सिस्टम होने पर भी लापरवाही से। तो कुछ आपको मुआवजा वगैरह मिला? आज तक न तो क्लेम किया, न बीमा दिया, न कुछ नहीं दिया। 4 साल मैंने केस लड़ी आगरा में, लेबर कोर्ट में, वहाँ से मैंने हरा दिया। हाँ, कुछ भी नहीं दिया और ठेकेदार मिल गया, सरकारी वकील से कुछ नहीं दिया मैंने। अच्छा, और द्वारा मैंने केस अप्लाई किया, लाखों रुपये मैंने खर्च कर दिया, मेरे 4 बच्चे। बिल्कुल, देखिए आप ये तीसरे कर्मचारी हैं, आप इनका पैर को देख सकते हैं कि क्या हाल है इनके पैर का। इनका पैर जो है किस प्रकार से अंग भंग सा हो चुका है और बमुश्किल चल पाते हैं, फिर भी जब आप ये देखिए कि तब भी काम करते हैं, तब भी अपने जज्बे को वो भूले नहीं है और लगातार अपने परिवार की खातिर, डिपार्टमेंट की खातिर, विभाग की खातिर। आपका नाम क्या नाम है आपका? बताइए क्या नाम है आपका? ये कैसे हो गया आपके लाइन पे काम करते हुए? कुछ मुआवजा मिला? तो ये हाल है विद्युत विभाग का। इनको ना तो कोई सुरक्षा उपकरण दिया जाता है और ना ही कोई इस तरीके का कहते सिस्टम रखा जाता है कि कोई कर्मचारी अगर काम करने जा रहा है, लाइन बदलने जा रहा है, तो सिस्टम के तहत ये हमको अनुमान है कि हमें कब विद्युत अपनी आपूर्ति चालू रखनी है, कब बंद रखनी है। यही उम्मीद है कि जो संघर्ष है इनका संघर्ष कामयाब हो, जल्द ही इनका जो इंक्रीमेंट बढ़े, जल्द ही इनकी तनख्वाह बढ़े, इनकी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किए जाए। अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ मैं हेमंत शर्मा, T9 न्यूज के लिए।